आदत है कि मैं सिर्फ फोटोज के लिए चैरिटी नहीं करता हूँ कि फोटो दे ली है चल भी 10 ब्रश तू ले जा 10 पेस्ट तू ले जा, वो मैं कर नहीं सकता हूँ। अगर चैरिटी किसी के घर में जाएगी तो महीने का राशन, बोतलें, दूध, डायपर सब कुछ जाएगा। तो ऐसा नहीं जाएगा कि हाँ 2 सेकंड के लिए गए फोटो ली इंटरनेट पे डालने के लिए, वो मेरे से होता नहीं। आप जितना इंटरनेट पे देखते हो वो सिर्फ 1% है जो चैरिटी हम करते हैं। जीसस ने कहा तेरा दाहिना हाथ करे बाहिना ना जाने, बाहिना करे दाहिना ना जाने। जो कुछ भी इंटरनेट पे पढ़ता है वो इसलिए कि मेरे स्पिरिचुअल सन्स 1200-1500 पास्टर्स हैं। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, सबको चैम सिक्की। आइए हम आज की एक और नई वीडियो को देखते हैं। और इस वीडियो के जो कि टॉपिक में आपने वीडियो का टॉपिक तो सुन ही लिया होगा, और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जो कि अंकुर और अमनिस्ट्री की ओर से हर एक विलेज में, हर एक गांव में, हर एक शहर में अब राशन प्रोवाइड किया जा रहा, हर एक ज़रूरतमंद की चीज़ उन्हें दी जा रही है। जैसे कि कई लोग ऐसे कहते हैं कि अब चर्चे कहाँ गई, और आप वहाँ उनके स्क्रीनशॉट भी दे सकते हैं जिन जिन चर्चस ने, जिन जिन परमेश्वर के दासों ने अब लोगों की हेल्प के लिए वो आगे आए हैं, लोगों की हेल्प के लिए वो कर रहे हैं। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि जिन लोगों ने ये सवाल उठाए थे, जिन लोगों ने ये विरोध किया था कि अब पास्टर्स कहाँ गए, अब मिनिस्ट्री वाले कहाँ गए, जो कि बहुत ज़्यादा दावा करते हैं कि हम लोगों की बहुत हेल्प करते हैं, हम लोगों को बहुत ज़्यादा चीज़ें देते हैं, अब वो कहाँ है, मैं उनको यही जवाब देना चाहती हूँ। उनको इन वीडियो में जवाब मिलेगा, इन पिक्चरों में उनको जवाब मिलेगा कि हाँ यही है, वो कहाँ कहीं नहीं गए, वो किसी के पास नहीं गए, वो अभी भी लोगों की हेल्प के लिए, वो अभी भी लोगों को चीज़ें देने में लगे हुए हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि इन बारिशों की वजह से, इन हारों की वजह से, जो कि लोगों के गांव-गांव में, लोगों के घरों घरों में कितना कितना पानी आ चुका था, और लोग इसकी वजह से कितने ज़्यादा परेशान हो चुके थे, यहाँ तक कि लोगों के घरों तक पानी आ चुका था, और लोगों के घर तक टूट गए, लोगों के नए बनाए हुए घर जो कि टूट दिए, तोड़ डाले, पानी ने तोड़ डाले। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि हमारे जो स्पिरिचुअल फादर हैं पोस्टर अंकुर यूसुफ नोला जी, वो कभी भी पीछे नहीं हटते, क्योंकि वो परमेश्वर के वचनों से प्यार करते हैं, वो परमेश्वर के वचनों को मानते हैं, परमेश्वर के वचनों को वो उनकी आज्ञाओं को वो मानते हैं। और क्योंकि परमेश्वर का वचन भी तो कहता है ना कि जाओ सब ज़रूरतमंदों की हेल्प करो, गरीबों की हेल्प करो, अनाथों का न्याय करो, विधवाओं की हेल्प करो। आप लोग जानते हैं कि इन पानी की हार की वजह से, इन जो कि गाँव-गाँव में पानी आ चुका था, इनकी वजह से कितने लोगों को मुसीबतों का सामना करना पड़ा। और जो लोग रोज़ के कमाने के खाने के लोग थे, जो रोज़ कमाकर अपने पेट को भरते हैं, रोज़ कमाकर अपने पेट को भरते हैं, अपनी फैमिली को पालते हैं, उनके लिए कितना ज़्यादा मुश्किल की ये हालात निकले होंगे। और उन्हीं हालातों को ठीक करने के लिए, उन्हीं लोगों को देखते हुए हो, जो कि अंकुर अमनिस्ट्री और भी कई पास्टर, आप स्क्रीनशॉट आपने देखे होंगे, और भी कई पास्टर हैं जो कि इनकी हेल्प के लिए आगे आए हैं। हालेलुया, ऐसा नहीं है कि ये सब क्रिश्चियन लोगों की हेल्प के लिए हो रहा है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर एक जन के लिए, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का परिवार हो, एक के लिए काम हो रहा है। क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है, उसने कोई धर्म बनाया ही नहीं, उसने जब धरती और आकाश की सृष्टि की, उसने जब सब संसार बनाया, तो सिर्फ उसने एक आदम को और एक औरत को बनाया, और उससे ही सारा संसार जो आगे उत्पन्न हुआ, उसने उनकी जात पात कुछ नहीं बनाई, उसका धर्म उसने कुछ नहीं बनाया, ये सब हम लोगों ने बनाए हैं, हम इंसानों ने बनाए हैं। और इसी को हम याद रखते हुए ये हर एक जन के लिए किया जा रहा है, ये हेल्प हर एक जन के लिए की जा रही है, केवल कृष्णों के लिए नहीं की जा रही। और हेल्प के लिए जो कुछ उन्हें चीज़ की आवश्यकता है, किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, वो सब चीज़ें उनको दी जा रही हैं। आप अपनी तस्वीरों में भी देख सकते हैं कि लोगों हर एक देश में, हर एक गांव में, जैसे कि हर एक विलेज में, होशियारपुर, पटियाला, वहाँ फिरोजपुर की साइड, लुधियाना की साइड, जलंधर में, जहाँ कहीं भी हाँ ये टीम पहुँच सकती है, जहाँ कहीं से भी इन्हें कॉल किया जाता है हेल्प के लिए, वहाँ कहीं मिनिस्ट्री की टीम जाती है, और भी पास्टर्स और भी मिनिस्ट्री की टीम जाकर उनकी हेल्प के लिए वो आगे होती है। और हर एक ज़रूरतमंद की चीज़, हर एक कोई भी हो, वो बच्चों के डायपर से लेके पानी की बोतलों तक, तेल, पानी, आटा, चावल वगैरह, राशन जो कि दिया जाता है, ये नहीं कि उन्हें एक एक दिन के लिए इनको ये खाना दिया जा रहा है, क्योंकि एक एक दिन के लिए तो कोई भी कर सकता है। इन्हें जो खाना दिया जा रहा है, इन्हें जो राशन दिया जा रहा है, ये 2-2 महीने का राशन है, वाटर तक,
पानी तक इन्हें प्रोवाइड किया जा रहा है, क्योंकि लोगों के ऊपर अब बहुत ही जो कि भारी मुसीबत आ पड़ी है। लोग भूखे हैं, प्यासे हैं, मुसीबतों में हैं लोग, पर हमें उन्हें मुसीबतों में नहीं रहने देना, क्योंकि परमेश्वर ने हमें कई आज्ञाएँ दी हैं। परमेश्वर ने हमें अपने वचन में से हमें समझाया है कि हमें क्या क्या काम करने हैं, क्योंकि हमें परमेश्वर के वचनों की आज्ञा करनी है। हालेलुया। और मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि ऐसे ही अब हमारी जो पास्टर हैं, परमेश्वर के चुने हुए दास हैं, ऐसे ही वो वचनों को याद रखते हुए काम कर रहे हो। हमारे स्पिरिचुअल फादर ने भी हमें जो कि खासतर वो मैसेज देते हैं, उन्होंने बार बार हमें कहा है कि किसी भी जन को कोई भी वो हो, उन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, तो वो हमारे प्रेयर लाइन नंबर पर कॉल कर किसी भी चीज़ की लोड होनी वो मंगवा सकते हैं। हम उसके उनको हर एक चीज़ प्रोवाइड कराएंगे। हम किसी भी हालत में उन तक पहुंच के उन्हें वो चीज़ें को हम देंगे। और हमारे जो कि प्रेन लाइन नंबर है वो 0181-520-77 हमारा जो कि प्रेन लाइन नंबर है, इस पर आप कॉल कर अपना राशन मंगवा सकते हैं। और जिन्हें कॉल करना नहीं आता, मैं अपने मसीह भाई बहनों को जिनके आसपास ऐसे माहौल हैं, जिनके आसपास ऐसे हालात हैं जो कि दुख भरे हैं, जो कि दुखदायक हैं, जो कि आप देख रहे हैं, आप इस नंबर पर उनकी अपॉइंटमेंट बुक कराइए, उनके राशन की अपॉइंटमेंट बुक करवाइए, तो उनको हम टीम उनको राशन देने ज़रूर जाएगी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे स्पिरिचुअल फादर ने खास और भी एक मैसेज दिया है कि जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हरों की वजह से, पानी की वजह से, बारिश की वजह से और बाढ़ की वजह से, ऐसे हालातों की वजह से, जाकि पानी की वजह से लोगों के घरों तक इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के घरों में दरेरे पड़ चुकी हैं, लोगों के घर ढह चुके हैं। और हमारे स्पिरिचुअल फादर ने उनको भी कहा है कि वो टेंशन मत लें, वो घबराए नहीं, हमारी मिनिस्ट्री है जो ये भी उनकी हेल्प के लिए आगे आएगी, लोगों के घरों तक की मिनिस्ट्री जो कि रिपेयर करा कर देगी, क्योंकि हम परमेश्वर के वचनों से प्यार करते हैं। परमेश्वर ने हमें मेल मिलाप के लिए भेजा, परमेश्वर ने हमें प्यार फैलाने के लिए भेजा। और हम हमारा कोई भाई, हमारा जो कोई बहन अगर मुसीबत में है तो हम उसे नहीं देख सकते, पर मैं आप लोगों तक भी यही मैसेज पहुँचाने की कोशिश कर रही हूँ। अगर आपको परमेश्वर ने ब्लेस किया, अगर आपको फाइनेंस में ब्लेस किया, अगर आपको किसी भी तरीके से परमेश्वर ने ब्लेस किया, आप किसी भी तरीके से परमेश्वर के नाम को महिमा दे सकते हैं, लोगों की हेल्प कर सकते हैं, तो आप प्लीज़ आगे आएँ लोगों की हेल्प के लिए, फाइनेंस में आगे आएँ, सुसमाचार में आगे, किसी भी तरीके में आप आगे आएँ। हालेलुया, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, गरीबों की हेल्प के लिए अगर आप कर सकते हैं तो प्रेयर लाइन नंबर पे कॉल कर उनकी अपॉइंटमेंट, उनकी राशन की डेट बुक करें और प्रेयर लाइन पर उन्हें फ़ोन कर बताएं और उनकी हेल्प के लिए आगे आएँ। गॉड ब्लेस यू। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को भी दबा लें। परमेश्वर आपको आशीषित और बरकत दे। कमेंट में अपनी राय देना मत भूलें। गॉड ब्लेस यू।